नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लालू प्रसाद स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी में नहीं होंगे शामिल। 1290 पदों पर MBBS डॉक्टरों के लिए 15 सितंबर से मांगे जाएंगे आवेदन। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। बड़े पैमाने पर DSP का हुआ ट्रांसफर। पंचायत चुनाव को लेकर छापेमारी अभियान को किया गया तेज। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 1290 पदों पर MBBS डॉक्टरों के लिए 15 सितंबर से मांगे जाएंगे आवेदन। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने और कोरोना की संभावित तीसरी लहर में इन इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बिहार सरकार MBBS पास छात्रों को संविदा पर बहाल करने वाली है, जिसके तहत पहले चरण में 1290 पदों के लिए 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इन पदों पर राज्य के मेडिकल कॉलेज से MBBS पास छात्रों की 2 साल के लिए संविदा पर बहाली होगी। इनकी बहाली ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर की जाएगी, तो वहीं मानदेय 65,000 रूपए प्रति महीने होगा। 2 साल तक नौकरी के बाद उन्हें आगे PG में नामांकन में वेटेज का लाभ होगा। वहीं 4 राजकीय फार्मेसी संस्थानों पावापुरी, बांका, रोहतास और महाराजगंज में अतिथि फार्मेसी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 13 सितम्बर को राजकीय फार्मेसी संस्थान अगमकुआ में वॉक इन काउंसिलिंग का आयोजन किया जाएगा। सफाई कर्मियों की हड़ताल का 2 दिनों में निकाला जाएगा हल। राज्यभर के सफाई कर्मी अपने 12 सूत्री मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, जिस वजह से शहरों की सड़कें कूड़े कचरे से पट गई हैं। फैली गंदगी से लोगों को बीमारी का डर भी सताने लगा है, लेकिन सफाई कर्मी हड़ताल तोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 2 दिनों में इस समस्या का निदान खोज लिया जाएगा। अधिकारियों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर हड़तालियों से वार्ता कर समाधान निकाले। फिलहाल नगर निकायों में फैली गंदगी को साफ करवाने का जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया है। खास पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की पहल करेगी सरकार। बीते दिन कैमूर की प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करने पहुंचे बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने प्रेस को संबोधित किया और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया विजन बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा, ताकि यहां पर्यटकों की संख्या बढ़े। पर्यटन बढ़ने से कई रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मंत्री ने कहा कि मुंडेश्वरी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्रों को इको पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाएगा, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश के आसार। बिहार में मानसून की सक्रियता फिलहाल कम है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन मध्य भारत से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बारिश का सिलसिला अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है, जिस कारण आज इसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी है। वहीं इन हिस्सों में तेज हवा के साथ ही वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 सितंबर तक उमस के साथ गर्मी अभी सताएगी। बिहार में कोरोना के एक्टिव मामलों में हुआ थोड़ा इजाफा। राज्य में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके तहत कटिहार में सबसे अधिक 3 मामले आए हैं, तो वहीं सुपौल से 2, तो वहीं भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, पटना और वैशाली जिले से 1-1 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य भर में एक्टिव केसों की संख्या 71 हो गई है। गणेश चतुर्थी अवसर पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज देवों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, जिसे हर साल गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई जगह पंडालों में गणेश की मूर्तियां विराजी जाती है, तो वहीं घरों में भी विधि विधान के साथ गणपति की पूजा होती है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही आपको बताते चले कि बिहार में खास तौर पर आज के दिन चौड़ चांद भी मनाया जाता है। इस पर्व में चांद को अर्घ्य समर्पित कर विधि विधान के साथ चांद की पूजा होती है। यह पूजा आज शाम चांद निकलने के बाद शुरू होगी। बड़े पैमाने पर DSP का हुआ ट्रांसफर। राज्य में पहले चरण का पंचायत चुनाव होने में पखवाड़े भर का समय बाकी है, मगर इस बीच प्रशासनिक फेरबदल जारी है। बीते शाम एक बार फिर से बड़े पैमाने पर बिहार पुलिस में फेरबदल हुआ है। इसके तहत गृह विभाग ने 194 पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया, जिसमें 22 IPS और 172 DSP व SDPO रैंक के पदाधिकारी शामिल है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा समेत 14 सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि ASP भी बदले गए हैं। पुलिस मुख्यालय में भी कई DG और ADG रैंक के अफसरों की भूमिका बदली गई है। सभी अफसरों के तबादले की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। बताते चले कि पंचायत चुनाव को देखते हुए पिछले 3 साल से जमीन दारोगा और DSP रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया।
पटना की सुपर 30 में पढ़ने वाला छात्र बना 10 मिलियन डॉलर वाली कंपनी का मालिक। शिक्षा में वह शक्ति होती है जो रंक को भी राजा बना देता है। ऐसे ही कहानी का पता सोशल मीडिया से चला है, जिसमें बिहार के फेमस सुपर 30 कोचिंग क्लास में आनंद सर से पढ़ने वाला एक गरीब छात्र आज 10 मिलियन डॉलर की कंपनी के को फाउंडर बन गए हैं। छात्र का नाम अकीबुर रहमान है, जिसने साल 2007 में सुपर 30 से IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी की और एडमिशन पाकर आगे की पढ़ाई IIM से किया। दरअसल अकीबुर 14 सालों के बाद शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने गुरु आनंद सर से मिलने आए थे, जिसकी तस्वीर खुद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने ट्वीट किया, जिसके बाद यह पोस्ट प्रेरणा का विषय बन गया है। लालू प्रसाद स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी में नहीं होंगे शामिल। लंबे समय से बिहार नहीं आए RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल बिहार में दर्शन नहीं देने वाले हैं। इस बात को खुद लालू प्रसाद ने कंफर्म किया है। दरअसल बुधवार को लोजपा सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी का निमंत्रण देने गए थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि स्वास्थ्य ठीक रहने पर लालू यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि लालू यादव ने खुद साफ किया है कि बीमार रहने की वजह से वे इस बरसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही लालू प्रसाद ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपना अभिन्न साथी बताते हुए चिराग को हर तरह से सपोर्ट करने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर छापेमारी अभियान को किया गया तेज। राज्य में लंबे समय के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग होने में अब पखवाड़े भर का समय बाकी है। इसे लेकर आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती दिखाने के उद्देश्य से प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। इस क्रम में कई जिलों के प्रशासन के द्वारा छापेमारी अभियान को भी तेज कर दिया गया है। कई हिस्सों में सीमावर्ती इलाकों को सील करके मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस क्रम में आज सुबह नालंदा जिले के बिहार शरीफ जेल में छापेमारी की गई, जिसमें थानाध्यक्ष व पुलिस बल के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस लाइन से जवानों को बुलाया गया था। वहीं इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव के 500 के नोट बांटने वाले वायरल वीडियो पर जदयू का तंज। सोशल मीडिया पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और RJD सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे गाड़ी में बैठे हुए हैं और खिड़की के बाहर से गरीब महिलाओं को 500 के नोट बांटते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बिहार की राजनीति में काफी ट्रेंड करने लगा है और अब जदयू MLC नीरज कुमार की तरफ से दावा किया गया है कि गुरुवार को तेजस्वी यादव गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करके वापस आ रहे थे, तो उस दौरान गरीब महिलाओं के बीच उन्होंने ये पैसे बांटे। जदयू नेता ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है और आज भी वे पिता लालू प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं। राजद सुप्रीमो ने जातीय जनगणना को बताया बेहद जरूरी। जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग को लेकर विपक्ष के नेता समय समय पर बयान दे रहे हैं। इस बीच बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी दल RJD के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर सबका ध्यान खींचने के लिए एक बार फिर से ट्वीट किया है और लिखा कि जातीय जनगणना बिहार ही नहीं राष्ट्र के लिए भी जरूरी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जातीय जनगणना का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की अति जरूरी पहल है। सामाजिक न्याय व बंधुता का प्रश्न मनुष्यता का प्रश्न है और जातिवार जनगणना के हासिल को उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। पटना के सैंड आर्टिस्ट ने बालू से बनाई गणपति की भव्य आकृति। पटना के सैंड आर्टिस्ट ने बालू से बनाई गणपति की भव्य आकृति। पर्व त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ यह भी जरूरी है कि हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर त्योहार को मनाने का तरीका सीखे। इसलिए अब त्योहारों पर बनने वाली मूर्तियों को भी इको फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया जाता है। इसे लेकर आज गणेशोत्सव के मौके पर पटना के किलकारी भवन में भी भगवान गणेश का आह्वान किया गया, जिसके लिए पटना सिटी के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट रुपेश कुमार ने बप्पा की मूर्ति को रेत पर उकेरा, जिसे खूब सराहा जा रहा है। इस इको फ्रेंडली मूर्ति को बनाकर पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया गया। इस मूर्ति में भगवान गणेश को लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया है और उनका मनपसंद मिष्ठान लड्डू भी उनके करीब रखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने यूपी चुनाव में BJP जदयू के गठबंधन को लेकर दिया बयान। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल भी अपनी भागीदारी दिखाने को बेताब है। हालांकि कौन किसके साथ गठबंधन कर रही है ये बातें अभी साफ नहीं है। इस बीच जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन बिहार यात्रा के क्रम में बड़ी बात कह दी है और साफ किया कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर लोगों से वोट मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में भागीदारी को लेकर भाजपा से बात हो रही है, यदि बात नहीं बनती है तो जदयू अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस स्थिति में CM नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर लोगों से वोट मांगे जाएंगे।
सुरेश रैना ने एमएस धोनी के फेवरेट डायलॉग का किया खुलासा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और भारत के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना के बीच रिश्ते जितने मैदान के भीतर अच्छे हैं उतने ही मैदान के बाहर भी अच्छे हैं। शायद यही कारण होगा कि धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सुरेश रैना भी उनकी राह पर चलते हुए संन्यास ले लिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में रैना ने आईपीएल के साथी खिलाड़ी धोनी को फेवरेट डायलॉग का राज खोला है। रैना ने कहा कि एमएस ने उन्हें हमेशा सिखाया है कि खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि यह वास्तव में खत्म नहीं हो जाता, एक डायलॉग जो आखिरी तक लड़ने का संदेश देता है। धोनी को मैच को अंत तक ले जाना पसंद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस तरह है कि आपके अनुसार बिहार में गणेश चतुर्थी और चौथ चांद पर्व में से कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा मनाया जाता है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।